हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना है। वेलकम टू माय चैनल रीना की रसोई। आज हम गुड़ के लड्डू बनाएंगे। गुड़ में बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं, साथ ही एक नेचुरल स्वीटनर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम गुड़ को स्मूथ कर लेंगे। लड्डू बनाने के लिए हम पुराने गुड़ का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पुराना गुड़ ड्राई होता है और इससे लड्डू आसानी से बन जाते हैं। साथ ही कटे हुए ड्राई फ्रूट्स में लिया है मखाने, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, नारियल, चिरौंजी, सूखा खजूर। साथ ही लेंगे हल्दी, खसखस, सौंठ या जिंजर पाउडर। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक एक करके फ्राई करेंगे। घी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। लास्ट में हम खसखस, हल्दी और सौंठ या जिंजर पाउडर को एक साथ फ्राई करेंगे और हम इसे सीधे गुड़ में डाल देंगे। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम गुड़ में मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स को गुड़ के साथ हमें अच्छे से मिलाना है। साथ ही हम थोड़ा घी भी डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं गुड़ के साथ। लड्डू बनाने के लिए हम मिश्रण में से एक भाग लेकर उसे गोलाकार देंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। लड्डुओं को हम 20 से 25 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। इस समय लड्डू नरम हैं, थोड़ी देर के बाद ये हार्ड हो जाएंगे। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।